नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने शानदार बताया। उन्होंने कहा कि जो भी संकल्प पत्र में वादे किए थे उन्हें पूरा करने का प्रयास रहा। वहीं विपक्ष के सवाल उठाने पर इन लोगों ने पलटवार करते हुए कहा कि अब विपक्ष का कोई भविष्य नहीं, विपक्ष बदहाल है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी सेक्टर में बेहतर काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि सरकार दोबारा रिपीट हुई। देखिए ये रिपोर्ट। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस कार्यकाल को एक शानदार कार्यकाल के रूप में देखते हैं। समाजवादी पार्टी का जो सफेद परिवार है वो बेरोजगार हो गया सत्ता के बिना, इसके कारण से वो बेहाल है, लेकिन प्रदेश खुशहाल है। गुंडागर्दी के शासन का अंत हो गया, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार विदा हो गई। वहीं विपक्ष की तरफ से बीजेपी सरकार के कार्यकाल पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कभी अच्छा काम करके आगे बढ़ने का नहीं सोचा। विपक्ष के जो सवाल हैं असल में वो बदहाल हैं, उनका वर्तमान और भविष्य बदहाल है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि यूपी सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा सभी विषयों पर बेहतर काम किया है। आज उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा है कि दुनिया भर के निवेशक आज यूपी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। सभी के लिए बेहतर अवसर है, सरकार का संकल्प है उत्तर प्रदेश राज्य की बेहतरी के लिए काम करना। कोरोना का बेहतर प्रबंधन सबने देखा, जान भी जहान भी के संकल्प को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकर चले। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाने पर कहा कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि विपक्ष अपराधी और माफिया वर्ग और गुंडागर्दी करने वालों के बारे में सोचते हैं। जब सिर्फ उनके बारे में सोचेंगे तो कुछ दिखाई नहीं देगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश की जनता का आभार और बधाई। हम सब जानते हैं कि प्रदेश का नैरेटिव चेंज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम नंबर वन पर हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। लोग मानते हैं यूपी में कानून का राज है। सबसे बड़ी उपलब्धि इंफ्रास्ट्रक्चर पर नंबर वन और कानून का राज स्थापित हुआ। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।